बोल रहा था कि यूपीपीएससी यही चीज है, अभी एक महीने में प्रोसीड कैसे करना है कि पूरा अपना पढ़ा पढ़ा है, पूरा बेसिक सब कंप्लीट है ना, हमें गेट दे चुका हूँ ऑलरेडी पिछले साल और गेट में ठीक ठाक नंबर है, गेट में पिछले बार आई थी अपनी 1000। अच्छा तो न्यूमेरिकल हुआ है क्या आईआईटी में? नहीं नहीं, एक्चुअली मैंने डुअल डिग्री करा था बीई प्लस एमटेक। अच्छा तो मेरा एमटेक ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुका है, ओके, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो मेरा फिर भी ठीक ठाक है और थ्योरेटिकल पे अभी एसएससी भी किया था, है ना। अच्छा जैसे ये 30 को सेकंड शिफ्ट वाले पेपर था मेरा भी, तो ठीक है वो तो जो हो गया जो हो गया, बट अभी क्या है मतलब उसके लिए कैसे क्या प्रोसीड करना है थोड़ा सा। अभी तुम मतलब इसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे? किसके लिए? यूपीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या किसी गेट वेट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे? क्या प्रिपेयर? नहीं ये अभी तो यूपीपीएससी के लिए, गेट का तो मैं नहीं कर रहा हूँ इस बार। अच्छा हाँ, और मैंने यूपीएससी के जो प्रीवियस वो लगाए थे लॉकडाउन में, मतलब वो ये सारे क्वेश्चंस हो गए पूरे? हाँ मतलब मैंने आईएएस के क्वेश्चन लगाए थे, मतलब उधर जुलाई अगस्त में लगा लिए थे एक बार, मतलब सारे सब्जेक्टों के आईएएस मास्टर की बुक आती है ना उससे लगाए थे। अच्छा ओके हाँ। और टेस्ट सीरीज वगैरह दी हुई है कोई? टेस्ट सीरीज तो ये नबी को नहीं दी है। अच्छा। ये एसएससी इनके लिए दी थी टेस्ट सीरीज, एसएससी इनकी। अच्छा। यूपीपीएससी के लिए अभी तक नहीं दी है। अच्छा तो वो मैं आपके उसके लेने का सोच रहा हूँ अभी। ठीक है वो चलो देख लेना, मतलब मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ ना कि जब तक तुम एक बार टेस्ट नहीं दोगे ना तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। देखो पढ़ते नहीं, तो सभी लोग जैसे कि जो एसएससी इनकी थी इनमें तो 70% के आसपास स्कोर आ रहा था। हाँ जो एसएससी के रिगार्डिंग थी टेस्ट बुक इनकी, तो उसमें 70% स्कोर आ रहा था, और अभी इसके रिगार्डिंग नहीं दिए यूपीपीएससी के रिगार्डिंग। तो चलो कोई नहीं, वो दे देना जब तुम्हारे पढ़ते तब दे देना। तो देखो बेसिकली क्या है कि जब टेस्ट, एक तो दो चीजें होती हैं, एक तुम्हारा जो अपना एनालिसिस है वो तुमने कर रखी होगी, एक तो जब टेस्ट देते हो तब पता चलता है कि तुमसे कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं, कौन कौन से टॉपिक तुम्हारे अभी आगे जा रहे हो, या तुमने जब प्रिपरेशन कर रहे होगे तब कुछ टॉपिक छोड़ रखे होंगे, है ना। तुम मेरी आवाज इको कर रही है, मुझे वापस तुम्हारी आवाज, मुझे अपनी आवाज सुनाई पड़ रही है। मैं तो लाउड स्पीकर खोल लिया था, बंद कर लिया। हाँ बोली। हाँ वो वापस मुझे ही मेरी आवाज नहीं पड़ रही। अच्छा। हाँ ठीक है तो हाँ। सबसे पहले करना ये है कि मतलब जो तुम्हारे एक बार सिलेबस उठा के देख लो कि कोई ऐसे हाँ। टॉपिक्स तो नहीं है जो तुमने बिल्कुल मतलब देखे ही ना हो, है ना, क्योंकि सिलेबस हाँ। थोड़ा वॉस पिछली बार से थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है। हाइड्रोलॉजी इरिगेशन का पोर्शन है सर, मतलब उसको क्या कितने की इम्पोर्टेंस देनी हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन? देखो यार उसमें यूपीपीएससी वाला जो सिलेबस है तुम देखोगे ना उसमें पार्ट वाइज सिलेबस डिवाइडेड है। हाँ ठीक है ना, तो ये मान के, ये मतलब मान के चल सकते हो क्योंकि जो सब्जेक्ट बड़े हैं जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स देखोगे तो उसका केवल एक पार्ट है, पार्ट ए, है ना। लेकिन जैसे जो छोटे सब्जेक्ट उसमें दो दो तीन तीन पार्ट भी है, तो जो मुझे मतलब मेरा अपना ओपिनियन है वो ये है कि लगभग लगभग वेटेज पार्ट वाइज रखेगा वो, एक पार्ट से लगभग 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 दो चार क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी में हो सकता है 25 क्वेश्चन हो, मतलब पार्ट वाइज 20% का वेटेज मान लेते हैं। मतलब अगर पांच पार्ट्स हैं तो ये मान के चलो उसमें किसी पार्ट में देखोगे तो दो दो तीन तीन सब्जेक्ट्स हैं, किसी में एक सब्जेक्ट भी है जो बड़े सब्जेक्ट है ना। जैसे तुम अगर पेपर वन में जाओगे तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी है उसी में, उसी में शायद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स भी उसी में है, दो तीन सब्जेक्ट हैं पार्ट ए में। अच्छा अच्छा है ना, तो जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के दो चार क्वेश्चन हो सकते हैं, दो तीन क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वो जो अपना मुझे, मैं तो अपना तुम्हें वो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें जनरली पार्ट वाइज जो होगा वो लगभग लगभग इक्वल वेटेज होगा, हर पार्ट इक्वल वेटेज रहेगा पार्ट वाइज। हाँ वो इसीलिए, नहीं तो सिलेबस को पार्ट वाइज करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, जब वो तो पेपर वन में लाइन से सब्जेक्ट लिख देता है ना, वो पर्पस इसी वजह से किया गया कि जिसको भी जो भी फैकल्टीज जो मतलब पेपर बनाने को दिए देंगे, अलग अलग फैकल्टीज होंगी तो वो उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस उठा उठा के वो डालेंगे। तो नहीं एक्चुअली मेरे पास वो YCT की बुक थी, तो मैं YCT की बुक लगाऊं या नहीं लगाऊं अभी इस टाइम में? देखो अगर तुमने अभी स्टार्ट नहीं की है ना, मतलब लगाया नहीं है ना, देखो वो कोई मतलब ये कह सकते हो वो कोई एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है लगाना, ठीक है। अच्छा, कि उसको लगाना क्योंकि कोई उससे उठा के पेपर नहीं बनाने वाला है ना। अच्छा, कोई ना कोई मतलब जो आंध्र प्रदेश के स्टेट पीएससी में क्वेश्चन आया है या कहीं भी आया है, वो कोई यूपी वाला उठा के उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या इस तरह की बुक से क्वेश्चन नहीं बनाएगा वो। अच्छा
ठीक है ना, वो हमेशा वो सोर्स लेते हैं जो थोड़ा सा रिलायबल हो, जैसे ईएस के क्वेश्चंस हो गए, गेट के क्वेश्चंस हो गए, है ना, और बेसिकली इनका रिलायबल सोर्सेज अवेलेबल हैं, है ना। तो ये मत मान के चलो कि वाईजीट आज मैं देख रहा हूँ लोग उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट की, उसके क्वेश्चन किए जा रहे हैं पर उसकी कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है मतलब, है ना। तो उससे अच्छा है कि अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तब तो उसको करना ठीक है, लेकिन उससे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो तुम्हारे सब्जेक्ट छूट रहे हैं, जिसपे तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब हाइड्रोलॉजी तुमने अच्छे से रिवाइज नहीं किया हुआ है, कुछ टॉपिक जैसे मान लो फ्लड तुमने नहीं पढ़ाया है, ठीक है, कुछ कुछ होते हैं ना टॉपिक जिसपे तुम्हें लगता है कि इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, जैसे हाइड्रोलिक मशीन में कुछ पोर्शन है, तो वो बेसिक मतलब जरूरी नहीं है उनको डेप्थ में पढ़ो, क्योंकि टाइम वो वाला नहीं है कि अब तुम एकदम डेप्थ में जाके पढ़ना है, ठीक है, लेकिन जस्ट क्योंकि स्टेट लेवल का एग्जाम है तो जो थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उसपे वो नॉर्मल लेवल वाले क्वेश्चन पूछेगा जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, है ना, क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं वो इजी टॉपिक से आते हैं और जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो डिफिकल्ट टॉपिक से आते हैं, बट वो पढ़े नहीं होते इसलिए वो डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो नहीं तो अपने काम करते हैं अपन यूपीएससी के क्वेश्चन लगा लेते हैं, यूपीएससी के, हाँ मैं वही कह रहा था कि सबसे वाले? पहले हाँ एक बार तो वो ये मान के चलो कि जो वेटेज रह सकता है वो 60-65% थ्योरी रहेगी, 30-35% तक न्यूमेरिकल आएंगे इस बार, ठीक है, इसे कम हो सकता है। न्यूमेरिकल में तो मुझे कोई इश्यू नहीं है, न्यूमेरिकल तो पार्ट मेरा बहुत स्ट्रांग है मतलब, है ना, हाँ ठीक है न्यूमेरिकल, तो मैं वही कह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की स्पीड, टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीजें, एक्यूरेसी, तो ये तो चीजें है ही है, बट उसके लिए तैयार रहना है, क्योंकि पुराने पेपर्स देखोगे ना तो उसमें बहुत ही मतलब वन वर्ड वाले क्वेश्चन, वन लाइन वाले क्वेश्चन आ गए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है ना, तो वो ये मान लो क्योंकि बहुत सारे मैं देख रहा था लोग बता रहे हैं कि एसएससी जेई लेवल का पेपर आएगा, इस तरह का पेपर आएगा, तो ये मान के चलो पेपर कैसा भी आ सकता है, ये दिमाग में मत रखो कि वन लाइन का आएगा या फोर लाइन, एसएससी जेई में ये बात क्लियर हो गई ना पूरी, है ना, तो वही मैं समझा रहा हूँ कि माइंडसेट ये रखो कि पेपर ईएस लेवल का आएगा, ईएस लेवल के मॉडरेट लेवल तक आ सकता है पेपर, ये दिमाग में रखो, ठीक है, इजी आ जाएगा तो फिर तो सभी करेंगे ना पेपर, तो कट ऑफ भी अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा, तो फिर अपन वो मैं भी वाईसीटी लगा रहा था कल से, तो मेरे पास वाईसीटी की बुक मैंने मंगवाई थी, तो वाईसीटी में लगाने में कोई इशू नहीं है, टाइम है तो पैरेलली कर सकते हो, बट वो फायदेमंद तब है जब तुम्हारा प्रॉपर थोरो रिवीजन हो चुका है, कुछ छूट नहीं रहा है, तुमको अपनी सारी चीजों पे कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये मैंने कवर कर लिया है, अब पता चला तुम्हारा, मैं उसे भी लगा रहा हूँ तो सर मतलब उसके मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब ऐसे हैं कि मुझे आते हैं, मतलब मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, मतलब वो टाइम कंज्यूमिंग वो जो है ना वो बुक टाइम कंज्यूमिंग है, और उससे उसका एक्सप्लेनेशन मुझे लगता नहीं वो प्रॉपर दिया होगा, वो एक लाइन में लिख दिया होगा कुछ एक्सप्लेनेशन, एक दो लाइन में लिखा हुआ है, तो तुम्हारे उसमें उसको जो मैंने कल लगाया था, अभी से सोम और सोयल लगा रहा था, मैंने 500-500 क्वेश्चन लगा लिए हैं, तो मतलब उसमें मुझे अगर मैं देखूँ तो 5-10 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो मुझे कभी मैंने देखे नहीं थे, ऐसे हैं मतलब तो सारे क्वेश्चन मुझसे बन रहे हैं, मतलब ऐसा था सर नहीं तो मैं सही है फिर उसमें, अभी मेरे हिसाब से तो मतलब अपना टाइम उसको टाइम वेस्ट करना ही है, क्योंकि अपना बेसिक्स पूरा क्लियर है तो कोई इश्यू ही नहीं है उसमें, तो यही सही रहेगा कि यूपीएससी के क्वेश्चन एक बार लगा लिया जाए, है ना, पूरे उसमें भी पूरे मत लगाओ, पूरे उसमें मार्क क्वेश्चन किए होंगे पुराने तो मार्क कर रखे होंगे कि ये क्वेश्चन मेरे से फंस गया था, ये मार्क कर रखे हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं, बिकॉज तो मतलब कहाँ तक जाना है, 2005 तक जाना है, 2000 तक जाना है, 1995 से है सर मेरे को, हाँ मतलब एटलीस्ट 15 ईयर्स वाले तो देख लो, अच्छा 2005 तक के देख लेते हैं, हाँ मतलब मिनिमम इतना तो देख ही लो, ठीक है, जनरली वो क्या करते हैं वो पुराने क्वेश्चन को ज्यादा प्रेफर करते हैं, नए क्वेश्चन तो वो उन्हें ये लगता है कि ये तो बच्चे पढ़ के आए होंगे, अच्छा है ना, तुम देखोगे ना कुछ वो टेंडेंसी होती है आदमी की साइकोलॉजी पे, कुछ होते हैं कभी कभी नए नए रिसेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, स्पेशली जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स हो गया, हर सब्जेक्ट में नहीं पूछता वो क्या करेगा, बिल्डिंग मटेरियल में पूछ लेगा, सारे सब्जेक्ट से कोई जरूरी नहीं है इसके क्वेश्चन आए, कुछ वो क्या होती है हर टीचर को अलग अलग टीचर्स के पास पेपर दिया जाता है कि सब इस सब्जेक्ट का ये बनाएंगे, अब मान लो एसके दुग्गल एमएनआईटी का प्रोफेसर है, उसके पास जब बोलेगा वो स्टील के और सर्वे के क्वेश्चन दे दो, उसका ऑथर है बुक्स का, तो वो क्या करेगा, वो अपनी बुक से बनाएगा, वो प्रीवियस ईयर नहीं देखेगा, अच्छा वो अपना बुक्स के हिसाब से वो उसको पता होगा कि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो वो 3 कैटेगरीज में वो क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो भी नहीं, अभी तो मैं तो क्या फुल टाइम दे रहा हूँ, मेरा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ 12 घंटे पर डे में दे देता हूँ 12 घंटे के आसपास, तो मतलब फिर भी मतलब सर मतलब हाइड्रोलॉजी इरिगेशन का सर अगर कोई नोट वोट तो मेरे पास क्या प्रॉपर नोट नहीं है हाइड्रोलॉजी इरिगेशन, उसमें तुम गूगल पे करोगे ना, easyengineering.net करके एक वेबसाइट है,
इजी इंजीनियरिंग www.easyengineering.com पता है पता है, उस पर तुम्हें इसके नोट्स मिल जाएंगे ईएस मास्टर के, ठीक है। उसने क्या किया है, बुक से ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस लिखे, तो वो अगर एक बार गो थ्रू हो जाओगे तो मुझे मतलब अभी इस टाइम के लिए उतना सफिशियंट होगा तुम्हारा कवर। तो इरिगेशन के मिल जाएंगे? हाँ मिल जाएंगे, तुम इरिगेशन एंड इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग ईएस मास्टर नोट करके डालोगे तो आ जाएगा उसमें। अच्छा अच्छा, तो है नेट पे है, मैंने देखा हुआ है, मैं डाउनलोड नहीं है, भेज देता तुमको। तो अभी मतलब प्रैक्टिस के लिए क्या रखना चाहिए, एक तो अपना ये यूपीएससी हो गया है ना, और इसके अलावा और कुछ प्रैक्टिस के लिए? देखो ये है, ये कवर कर लो एक, तुम अपने जो थ्योरी वाला पार्ट है वो अपना रिवाइज कर लो जहाँ से भी तुम पढ़ रहे हो। और थर्ड इम्पोर्टेंट की जब कोई भी टेस्ट सीरीज देना, मेरी देना या कोई भी देना, ठीक है, उसके बाद जब टेस्ट देना, टेस्ट को एनालाइज करके एक घंटा जरूर देना, उसमें ये आइडेंटिफाई कर लेना कि किन किन टॉपिक के क्वेश्चन तुम्हारे बन नहीं रहे हैं। ये नहीं कि उसको ऑप्शन को याद कर लिया खा बात खत्म हुई, क्योंकि वो बन नहीं रहे। हाँ सपोज मान लो तुम्हारा हाइड्रेशन का कोई क्वेश्चन है, वो तुम्हारा नहीं बना, तो एक बार जाके उसको देख लेना है कि ऐसा क्यों हुआ। ऑप्शन याद करने से बात नहीं बनेगी, हाइड्रेशन पूरा एक पेज का होगा, 10-15 मिनट लगेगा पढ़ने में उसको। हाँ हाँ ठीक है ना, इस टाइप के नोट करके ना, तो वो तुम्हारा इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। जो एक एक दो दो मार्क्स मतलब क्वेश्चन रह जाते हैं, वो चीजें मिस नहीं होनी है। तो आपकी में बढ़िया दी है ना सर? हाँ मतलब मैंने तो बुक से क्वेश्चन बनाया, मैंने मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैंने कोई भी क्वेश्चन एज इट इज कहीं से उठाया नहीं है। बुक खोली है, बुक से बनाया है, मोबाइल से उसकी फोटो खींची एक्सप्लेनेशन की, ज्यादातर क्वेश्चन की, और वो स्क्रीनशॉट को बुक वाला जो है वो अपलोड किया हुआ है, या जो भी कोई रिलायबल सोर्सेज हैं वेबसाइट से या तुम्हारे नेट इंटरनेट पे वो मतलब दिया हुआ है। यूपीपीएससी वाले कितने टेस्ट हैं अभी, यूपी के कितने टेस्ट हैं अभी, होंगे 10 टेस्ट? 8 मैंने अपलोड कर दिए, अब बीच में ये दूसरे एग्जाम आ गए तो उसको रोक दिया, तो अपलोड कर दूंगा। तो पूरा फुल लेंथ है ना? फुल लेंथ है, उसमें एक टेस्ट मैंने हिंदी अपलोड किया था, फिर उसमें टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा लग रहा था मुझे, तो इस वजह से 300 नंबर वाले है ना, 300 वाला। ठीक है ठीक है सर, मैं आज देखता हूँ उसको, मैं ले लूंगा। हाँ ठीक है, पूरा पैकेज ही ले लूंगा एक्चुअली में। हाँ वो तुम्हें ज्यादा सही रहेगा, तुम देख लेना, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे। हाँ वो थोड़ा सा क्या है ना कि थोड़ा सा क्वेश्चन लगाना है तो बस सर यही रखते हैं ज्यादा। और सर गुप्ता एंड गुप्ता लगा या नहीं लगा है? गुप्ता एंड गुप्ता तुमने मेरी पहले लगाई थी मैंने, कोई क्या सर? गुप्ता एंड गुप्ता के वीडियोस देखे हैं क्या? मैंने कुछ वीडियोस डाले हुए हैं। हाँ डाल सर्वेइंग के देखे थे एक दो, सर्वेइंग पूरी देखी है। अच्छा, और उसके अलावा मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे एक टॉपिक है डिजाइन ऑफ मैसनरी स्ट्रक्चर, ये नहीं पढ़ा होगा तुमने अच्छे से। नहीं पढ़ा है ना? तो मैंने अभी रिसेंटली गुप्ता एंड गुप्ता के मैसनरी स्ट्रक्चर्स के 56 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन डाले हैं सारे कोडल के, तो वो देख लेना। मैसनरी इम्पोर्टेंट है ना, मैसनरी पढ़नी है मुझे एक्चुअली वो एक दो। तो उससे मैं तो मैं श्योर हूँ कि उस जितना मैंने बताया उससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन मैसनरी का आएगा। तो आपके उस पे है ना यूट्यूब पे? हाँ प्लेलिस्ट में देखना, उसमें सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है। अच्छा प्लेलिस्ट पे जाके देखना, तो उसमें कंपाइल है, उसमें 6 वीडियो है। ठीक है सर, और भी कोई दिक्कत नहीं, आपको फोन कर लूंगा ना। ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ ठीक है, ओके मनीष।